बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी कुव्वतें मुलविस हैं, दुश्मन नहीं चाहता पाकिस्तान में अमन हो। वज़ीर आज़म इमरान खान कनोशकी से खिताब, कहा पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। जिस तरह जंग लड़कर मुल्क को महफूज बनाया इसकी मिसाल नहीं मिलती। कौम को पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद है, जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। एफ सी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहमल नहीं हो सकती, उम्मीद है कि मसले कश्मीर तमाम मसाइल बातचीत से हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि पाक चीन दोस्ती खत्ते के इस्तेहकाम की जमानत है, सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, बैरूनी इमदाद ना होने पर अफगानिस्तान को बहरान का सामना है। एमकेएम के पास फैसले के लिए वक्त ज्यादा नहीं, जल्द फैसला ना किया तो कौम सवाल करेगी। मुत्तहदा से गुजारिश है कि पहले पाकिस्तानी और फिर हलीफ बनकर सोचें। शहबाज शरीफ की अपील, आमिर खान ने कहा इत्तेफाक है मुल्क की बेहतरी के लिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। काफ लीग और एमकेएम का वेट एंड वॉच पॉलिसी पर अमल करने का फैसला, दोनों जमातों का किसी भी फैसले से पहले मुशावरत पर इत्तेफाक। परवेज इलाही कहते हैं अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है, पकना शुरू नहीं हुआ। शहबाज शरीफ बताएं मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब कैसे आ गए? शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से सवाल, कहा शरीफ खानदान ने बेनामी अकाउंट इस्तेमाल करके पाकिस्तान को लूटा है। वजीर आजम ने गरीबों के लिए लंगर खाने बनाए, हेल्थ कार्ड जारी किए, चोर और डाकू माजी में खजाने को लूटते रहे। इसहाक डार की नहरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, इलेक्शन कमीशन 21 फरवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार अजहर सदीक एडवोकेट को नोटिस जारी। कहीं फुहार कहीं मूसलाधार, कराची का मौसम फिर भीगा भीगा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नॉर्थ कराची और सादी टाउन में सबसे ज्यादा 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहरियों के चेहरे खिल उठे, सुपर हाईवे गौसिया चढ़ाई के करीब फिसलन के बाइस हादसा, मुतादद अफराद जख्मी हुए। PSL 7 का दूसरा मरहला 10 फरवरी से मैदान लाहौर में सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स और पिशावर जलमी आमने सामने आएंगे। कजाफी स्टेडियम में तैयारियां जारी, हर मैच पर खसूसी तजिया जावेद मियादाद के साथ सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।